बंद करे के लोग आदेश कहिए डीएम दे लोग। अच्छा अभी खोलने का है बोला डीएम को बहुत पहले आदेश दिए हुए परसों में शायद आदेश निकाल लोग अभी भी ये लोग खोले हुए। हाँ और आज आपको क्या कह रहे हैं गार्ड साहब क्या कह रहे हैं अभी कह रहे हैं कि खुला है कह रहे हैं कि बंद है तो मैंने अभी कह रहे हैं कि बंद हो गया बंद हो गए सब लोग निकल रहे हैं खुले हुए हैं और आपको मना कर रहे हैं। हाँ मॉल को खुले हुए अभी तक सर पहली चीज तो ये मॉल नहीं है ये स्टैंड अलोन शॉप है विशाल मेगा मार्ट शॉप है। जी हाँ बिल्कुल शॉप है स्टैंड अलोन शॉप है और यहाँ पे हम एफएमसीजी स्टॉक एफएमसीजी चीज हम दे रहे हैं। कहा गया नहीं अब बंद होगा नहीं मिलेगा सामान अभी नहीं मिलेगा अभी नहीं तो देखिए अभी तक ये दुकान था और अभी मॉल बन चुका है क्योंकि ये अभी बंद हो रहा है। अभी तक वहाँ के मैनेजर साहब ने कहा कि ये दुकान है ये हम बंद नहीं करेंगे लेकिन अभी जब हमारी टीम यहाँ पहुंची और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची यहाँ पे तब ये ग्राहक को लौटा रहे हैं ये कहकर कि जिला अधिकारी का निर्देश है ये अब मॉल बन चुका है। देखिए यहाँ पे कस्टमर सामान लेके आ रहे हैं आप जी अभी लेके आए हैं जी अभी लेकर अभी मॉल खुला हुआ था अभी खुला हुआ था लेकिन अब बंद हो गया अभी बंद हो गया गैदरिंग करवा रहे हैं हम गैदरिंग नहीं करवा रहे हैं बॉस आप दुकान को खोल के और अपने मॉल को खोल के गैदरिंग करवा रहे हैं। देखिए सामने हम नहीं गैदरिंग करवा रहे हैं गैदरिंग तो आप सर सर आप जिलाधिकारी को कह रहे हैं कि मॉल यहाँ पे है ही नहीं तो जिलाधिकारी ने किसको बंद करवाने को आया। मैंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि जिलाधिकारी से आपने आपने ये बात कहा है कि आरा में मॉल ही नहीं है तो कौन सा मॉल बंद करवाने का कहा। डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए ना बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके बताइए बाहर जाके बात कीजिए यहाँ पे गैदरिंग आप मेंटेन नहीं करवा रहे बॉस पहले आपने मॉल हम हाइजीन मेंटेन करके चल रहे हैं ठीक है सैनिटाइजर जिलाधिकारी की बात है कोई बाहर जाके आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं आशा एक भारत की टीम आज पूरे आरा शहर में आपको मॉल का स्थिति दिखाएगी कि आरा के मॉल जो कि जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश जारी किया गया था कि मॉल जो है वो बंद रहेंगे डीएम रोशन कुशवाहा सर ने ये निर्देश जारी किया था और कहा था उन्होंने कि पूरे आरा शहर के जितने भी मॉल हैं कोरोना का हाई अलर्ट को लेके पूरे मॉल बंद रहेंगे। वही तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आरा नगर मॉल शिव नारायण एंड सन्स इस मॉल को भी बंद करा दिया गया है और ये मॉल अभी बंद है तस्वीरों में देख सकते हैं जिलाधिकारी का बातों को माना गया है यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव के चलते ग्राहक बंधुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रशासनिक आदेश के आलोक में एनएस मॉल अगले आदेश तक बंद रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं इस मॉल बंद है आज से बंद है निर्देश का पालन किया जा रहा है देश का पालन ये कोरोना वायरस के चलते देश का पालन किया जा रहा है कि ये जनता हमारी सुरक्षा में रहे और इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं जिसमें अभी तक इसका कोई अभी उचित नहीं मिला है जिसमें देशवासियों से पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है कि पूरे जनता को अपील की है कि कोरोना वायरस के चलते ये जो फैल रहा है इसको रोकने के लिए कम से कम बाहर निकले ये जनता लोग को अपील की है कि आप लोग ज़्यादा जुट में ज़्यादा एक्सीजन में आप लोग कम से कम बाहर कम ही निकले आप लोग भीड़ मत लगाइए एक साथ थोड़ा सा साइड रहिए आवश्यकता जिसको आवश्यकता अनुसार ही निकलिए ऐसे बाहर घर से आप लोग बाहर मत निकलिए बिल्कुल घर में ही रहिए। तो देखिए ये इनका कहना है कि घर में ही रहिए और हम आपको बताना चाहेंगे कि एनएस मॉल आज से बंद करा दिया गया है और एनएस मॉल अभी बंद है अगले आदेश तक जिलाधिकारी के प्रशासनिक आदेश तक। कोरोना वायरस भारत में अभी दूसरे स्टेज पे है और दूसरा स्टेज सातवां सप्ताह चल चुका है आठवें सप्ताह से क्या होगा ये देखने वाली बात होगी अगर हम अभी सजग नहीं रहेंगे तो आगे और भी बहुत कुछ बढ़ सकता है और जान माल की सुरक्षा करना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है।
अभी हम एनएस मॉल के जस्ट बगल में बीएस मॉल में हैं और यहाँ पे जिस तरीके से दुकान खुली हुई है इसके अंदर में, अच्छा ये क्या है, मतलब मॉल है या बीएस मॉल आगे लिखा हुआ है? ये रेमंड का शोरूम है, ये मॉल नहीं है, ये शोरूम है रेमंड का। लेकिन ये जो आगे में मॉल मॉल लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन इसमें जिनका मॉल है वो अपना प्रोपराइटर है, उसका मॉल का नाम दिए हैं, लेकिन इसमें अलग अलग लोगों की दुकानें हैं। अच्छा, जैसे कि एक रेमंड शोरूम है, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, नीचे में लेदर बेगू बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह की एक रेमंड शोरूम है जो अलग दुकान है, एक अलग संस्था है। आपका नाम क्या हुआ? जी संजय कुमार गुप्ता। आप यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पर कैशियर है, कम मैनेजर है। क्या नाम है आपकी दुकान का? जी नागरमल द रेमंड शॉप। तो देखिए ये नागर मॉल द रेमंड शॉप खुला हुआ है और ये बीएस मॉल के अंदर में इस तरीके इस साइड में टीवी का भी शोरूम है, टेलीविजन का। ये अच्छा ये क्या मॉल है कि शॉप है, ये कंफ्यूजन हम लोगों को क्रिएट हो गया, थोड़ा क्लियर कीजिए। ये शॉप है, मॉल नहीं। आगे मॉल लिखा हुआ है इसलिए मैं, वो एक नाम लिखा हुआ है मॉल का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको कोई मॉल की जो क्राइटेरिया होती है ये कहाँ उसको फुलफिल। इसमें काफी सारे अलग इस घड़ी के अलग दुकान है, जैसे यहाँ पे टीवी का और फ्रिज का अलग शोरूम है, उस साइड में कपड़े का अलग शोरूम है। ये एक बीएस मॉल है और मॉल के अंदर भी आपका अलग अलग है। देखिए तो वो भी तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि जो एक सरकार की तरफ से निर्देश हुआ कि कोई भी जो मॉल है जहाँ गैदरिंग होती है बड़ी, उसको बंद किया जाए। ये दो दुकान है और दो दुकान मिला के भी यहाँ 50 गैदरिंग नहीं है। तो इसलिए अब पहला चीज कि मॉल की जो क्राइटेरिया होती है, ये एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में दो दुकानें हैं, कोई ये मॉल का रूप नहीं है। इसका नाम एक मॉल रखा गया है, तो किसी भी छोटी सामने छोटी दुकान है उसका नाम मॉल रख देंगे तो वो मॉल के क्राइटेरिया में थोड़ी आ जाएगी। ये चीज है, ठीक है। तो ये जनता तय करेगी कि आखिर मॉल है या फिर ये शॉप है। और हम उनका परिचय लेना नहीं भूल गए, आप अपना परिचय दे दीजिए। विशाल खेमानी, विनोद इलेक्ट्रिकल्स। विनोद इलेक्ट्रिकल्स आपका नवादा थाना के सामने था पहले। तो देखिए ये बीएस मॉल में विनोद इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरीके से इस तरफ नागरमल, और ये मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँगा कि हारा में जिस तरीके से मॉल को बंद कराने का निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी के द्वारा, उसके बाद क्या स्थिति है और किस तरीके से, ये सामने देखिए बीएस मॉल लिखा हुआ है और इस बीएस मॉल के अंदर में दो शॉप हैं, द रेमंड शॉप और विनोद इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप तय कीजिए कि ये मॉल है या शॉप है, या मॉल के अंदर शॉप है और इसे कहा जा रहा है कि नहीं ये अलग अलग है, ये आप तय करेंगे। क्योंकि पीएनएम मॉल में भी अलग अलग दुकानें होती है, अलग अलग शोरूम होते हैं, लेकिन वो आखिर एक मॉल ही है। और पीएनएम मॉल या कई अन्य मॉल जो हैं उसके अंदर में भी अलग अलग पार्ट वाइज दुकानें होती हैं और उसे मॉल ही कहा जाता है, लेकिन आरा में इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये मॉल नहीं है। नीचे में देखिए खुला हुआ है ये भी दुकान, ये भी खुला हुआ है। सर खुला हुआ है ना, ये ओपन है ना, ये ओपन है ना? हाँ ओपन। हाँ तो ये मॉल है या शॉप है? शॉप है ये, मॉल थोड़ी। मॉल के अंदर अगर शॉप रहा तो वो शॉप हो जाता है। तो मॉल कहाँ दिख रहा है, कहाँ लिखा हुआ है बीएस मॉल? नहीं दिख रहे हैं सर। मैं समझ रहा हूँ, वो तो अभी लोग फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आदमी नहीं दिख रहा है। अलग चीज है ये, हम लोग का ये मॉल का दुकान नहीं है। जी भले इतने बड़ी है तो उसका क्या मतलब, लेकिन मॉल के अंदर अगर शॉप होते हैं तो वो शॉप अलग हो जाते हैं। मेरा सवाल ये है, कर लीजिए मालिक से बात कर लीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? बात कर लीजिए ना आप। ठीक, ये मॉल है सर कि शॉप है? शॉप है। पीएनएम मॉल में अगर अलग अलग शॉप होंगे तो वो मॉल होंगे या मॉल के अंदर होंगे कि या शॉप है? मॉल ये नहीं है, मॉल कम से कम काफी वहाँ पर क्राउड है, यहाँ क्राउड नहीं है, आप देख सकते हैं। वो इसलिए नहीं है कि कोरोना वायरस के चलते लोग जागरूक हैं। ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ जो चीज़ है सीजनली है, अपने पास लगेज है और लिमिटेड चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग कपड़े का रहता तो मान ऐसे भी तो अभी जरूरत नहीं है ये सब। किसका? हाँ कोई इसका सीजन भी नहीं है, ऐसा कुछ हम लोग का ऐसा नहीं है, और हम लोग उसको रख भी रहे हैं कि ताकि इसे फैले नहीं, ठीक है। हम लोग अपने से खुद कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमित जी हुआ। अभी B2 के पास हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे भी इस मॉल को बंद करा दिया गया है,
कोरोना वायरस को लेके हम आज पूरे आरा में घूम रहे हैं कि पूरा मॉल किस तरीके से स्थिति है, क्या बंद है? बंद है, बंद। क्यों बंद हुआ? कोरोना वायरस लेके जिलाधिकारी का निर्देश। जी जी। कब से बंद हुआ? कब से बंद हुआ? ये हमारा स्टोर तो कल से ही टोटली, एक्चुअली कल हम लोग खोले हुए थे और हम लोगों को कोई नोटिस वगैरह वैसे मिला नहीं था, लेकिन हाँ हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ था कि एक सर्कुलर जारी हुआ है कि ये संस्थान जितने भी मॉल्स वगैरह हैं वो सारे बंद कर दिए जाएं, लेकिन कल सडनली चैनल वाले आप लोग कन्फ्यूजन में रहे? हाँ, अभी भी मतलब कन्फ्यूजन। चैनल वाले आए थे कल? हाँ कल आए थे। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने बोला, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री से जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जो लेटर वगैरह था उन्होंने मेरे को दिखाया कि नहीं बंद करने का है तो आप बंद कीजिए। हमने बोला कि ठीक है, आज तो खैर हमने खोला हुआ हमको नहीं मालूम था, तो हमने कल से ही बंद कर दिया है और आज फुल्ली हम लोग इसको क्लोज कर चुके हैं टिल 31 मार्च। अगर आगे तक अगर आदेश आता है तो विल कंसिडर। अच्छा, आप यहाँ पे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निर्भय कुमार दुबे हुआ और मैं यहाँ पे स्टोर मैनेजर हूँ इस स्टोर। स्टोर मैनेजर। तो बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जिलाधिकारी ने ऑर्डर जारी किया है उसके बाद भी धड़ल्ले से आरा में मॉल खुला हुआ है और बिक्री लगातार चालू है। तो तस्वीरों में देखिए यहाँ पे पुलिसकर्मी भी आ चुके हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं बंद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मॉल में धड़ल्ले से यहाँ पे जिस तरीके से बिक्री हो रही है, लोग यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं, जिला अधिकारी के निर्देश के बाद भी अवहेलना किया जा रहा है आरा के मॉल के द्वारा। और ये मॉल कोई छोटा मोटा मॉल नहीं है, ये मॉल विशाल मेगा मार्ट है और विशाल मेगा मार्ट आरा भूतपुर बिहार में जिस तरीके से लोगों की खरीदारी जारी है, लोग भीड़ देखिए, सामने देखिए किस तरीके से भीड़ इकट्ठा है और लोग लगातार सामान परचेस कर रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, आप लोग को बंद करने का निर्देश दिया गया फिर भी आप लोग मॉल चालू किए हुए? सर ये तो सर बताएंगे ना, हमारे सर बताएंगे। कौन सर है? वो है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं और लोगों से। सर, आपका मॉल बंद करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने अभी तक चालू किया? सर एक मिनट हम बात कर ले, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए ये बात करने से कतरा रहे हैं और इस तरीके से भीड़ जो हो रही है, लोग यहाँ पे जुट रहे हैं और ये आरा में जिस तरीके से जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा के द्वारा जारी किया गया है, कहा गया है कि सारे मॉल जो हैं आरा भोजपुर बिहार के वो बंद रहेंगे, उसके बावजूद भी कल भी मॉल खुला रहा और आज भी इस तरीके से मॉल खुला हुआ है और लोग यहां पे खरीदारी कर रहे हैं, लोगों को कोरोना का डर है। सर क्या कहिएगा जिस तरीके से आप मॉल को खुले हुए अभी तक? सर पहली चीज़ तो ये मॉल नहीं है, ये स्टैंड अलोन शॉप है। विशाल मेगा मार्ट शॉप है? जी हाँ बिल्कुल शॉप है, स्टैंड अलोन शॉप है। okay. और यहाँ पे हम FMCG स्टॉक, FMCG चीज हम दे रहे हैं कस्टमर्स को। okay. FMCG जो भी हम कोरोना से बचाने के लिए लाइक ये FMCG जो आप बोलेगा वो जाएगा। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे दे रहे हैं हम हैंड सैनिटाइजर्स जो भी हमारे। मेरा एक सवाल है आपको, मॉल एक ये में होता है, आप 3 या 4 मंजिला आपका ये है, ये शॉप है? सर मॉल और इसके कमल कुमार सर है CEO। सर सर आप पूरी आरा में भ्रमण कर रहे हैं और मॉल को बंद करवा रहे हैं, अभी तक किस कैसा रिस्पॉन्स रहा आरा का? नहीं, ये जिला पदाधिकारी का बाइट हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आरा में धड़ल्ले से मॉल खुला है वहाँ पे देखिए ये शॉप में इस तरीके से सामान रखवाया जाता है। और ये बिल्डिंग में दिखाना चाहूँगा विशाल मेगा मार्ट का, इन्होंने कहा है कि ये शॉप है मॉल नहीं है। अब ये जनता तय करेगी कि ये शॉप है या मॉल है, ये जनता तय करेगी। तस्वीरों में दिखाइए, और पीछे से हम कहेंगे कैमरामैन को और पीछे आने के लिए। ये आरा का नज़ारा है, आरा में जिस तरीके से काफ़ी सारे मॉल जो बंद दिखे वही आरा में विशाल मेगा मार्ट अभी भी खुला है और अभी भी जिलाधिकारी की बातों का अवहेलना करते हुए नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरा के जिलाधिकारी किस तरीके से कार्रवाई करते हैं और क्या ये मॉल है या दुकान है, ये तय आप कीजिए और जिलाधिकारी तय करेंगे कि आखिर इसे किसकी श्रेणी में दिया जाए। यहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग
इकट्ठा हो सकते हैं और सख्त मना है 50 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होने का, बावजूद ये कहा जा रहा है कि दुकान है मॉल नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि आखिर विशाल मेगा मार्ट जो कि आरा में नवादा के पास है इस पे क्या कार्रवाई की गई और किस तरीके से जिला अधिकारी आगे का कार्रवाई और प्रोसेस करते हैं। बंद करके लोग आदेश कोई डीएम दे लोग। अच्छा, अभी खोलने का है बोला। डीएम कब बहुत पहले आदेश दिए हुए हैं? परसों में से आदेश निकाल लगा। अब फिर भी ये लोग खोले हुए? हाँ। और आज आपको क्या कह रहे हैं गार्ड साहब, क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि खुला है, कह रहे हैं कि बंद है। तो मैंने अभी कह रहे हैं कि बंद हो गया? बंद हो गया, सब लोग निकल रहे हैं, खुले हुए हैं। और आपको मना कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रेम किशोर सिंह। सामान लेने के लिए आए थे? हाँ। देखिए तो अभी सख्ती जिस तरीके से अभी सख्ती के बाद और यहाँ पे प्रशासन के लोग पहुँचने के बाद गार्ड के द्वारा यहाँ पे अभी रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब अंदर मॉल या दुकान जो कि कहा जा रहा है कि बंद हो गया है, लेकिन हाँ कस्टमर से बात कीजिए। कस्टमर देखिए यहाँ पे कस्टमर सामान लेके आ रहे हैं आप? जी अभी लेके आए हैं। जी अभी लेकर। अभी मॉल खुला हुआ था? अभी खुला हुआ था लेकिन अब बंद हो गया। अभी बंद हो गया? गैदरिंग मत करवाइए, कोरोना के बारे में हम गैदरिंग नहीं करवा रहे हैं बॉस। आप दुकान को खोल के और अपने मॉल को खोल के गैदरिंग करवा रहे हैं। देखिए सामने हम नहीं गैदरिंग करवा रहे हैं, गैदरिंग तो आप सर आप जिलाधिकारी को कह रहे हैं कि मॉल यहाँ पे है ही नहीं, तो जिलाधिकारी ने किसको बंद करवाने को आया? मैंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि जिलाधिकारी से आपने ये बात कहा है कि आरा में मॉल ही नहीं है, तो कौन सा मॉल बंद करवाने का? डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए ना। बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके बताइए, बाहर जाके बात कीजिए। यहाँ पे गैदरिंग आप मेंटेन नहीं करवा रहे बॉस, पहले आपने मॉल बंद। हम हाइजीन मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है? सैनिटाइजर जिलाधिकारी की बात है, कोई बाहर जाके क्यों नहीं वैल्यू तो बंद क्यों नहीं करवा रहे? शॉप है ये, मॉल नहीं, स्टैंड अलोन शॉप है इसलिए खुला हुआ है ये। तो आरा में तो फिर तो कोई मॉल नहीं है आपके अनुसार? रेस्टोरेंट तो आरा में किसी के मॉल में नहीं है। मेरी बात सुनिए, कस्टमर यहाँ खड़े हैं, इनको डेली नीड की चीज चाहिए, हैंड सैनिटाइजर, क्लीनर कॉम्बो चाहिए, कहाँ से लेंगे क्लीनर सामान? मेरा सवाल ये है, दुकान है नियरेस्ट दुकान है, नियरेस्ट दुकान है, कस्टमर से बात कीजिए। नियरेस्ट दुकान है, आप कस्टमर से बात कीजिए। आपने कहा कि रेस्टोरेंट नहीं है इसलिए मॉल नहीं है, आप कस्टमर से बात कीजिए। देखिए आरा में मॉल कौन है? आरा में मॉल कौन है बॉस? ठीक, इसको बंद कीजिए। आरा में मॉल कौन सा है? सर पूछ रहे हैं ना, सर पूछ रहे हैं। देखिए सर से जाके बात कीजिए। देखिए यहाँ पे गैदरिंग हम नहीं करवा रहे हैं, गैदरिंग ये करवा रहे हैं, ये भीड़ इकट्ठा करवा रहे हैं और 50 से ज्यादा लोगों को ये अंदर घुसा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि मॉल ये नहीं है, ये दुकान है। अगर व्यक्ति जो है उसे सामान खरीदना है वो नियरेस्ट शॉप तक जा सकता है, वो मॉल में नहीं आ पाएगा अगर पता रहेगा कि मॉल बंद है। लेकिन अगर ये भी खोले रहेंगे वो भी खुला रहेगा तो गैदरिंग यहाँ पे भी होगा और वहाँ पे भी होगा। तो इसलिए अभी हमारी जब वीडियो ऑन हुई है आशा एक भारत की, तब इन्हें लौटाया गया है। आपको लौटाया गया है? अभी लौटाया गया। इसके पहले लोग जा रहे थे, अभी क्या कहा गया? कहा गया नहीं अब बंद होगा, नहीं मिलेगा सामान, अभी नहीं मिलेगा। अभी नहीं। तो देखिए अभी तक ये दुकान था और अभी मॉल बन चुका है क्योंकि ये अभी बंद हो रहा है। अभी तक वहाँ के मैनेजर साहब ने कहा कि ये दुकान है, ये हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन अभी जब हमारी टीम यहाँ पहुंची और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची यहाँ पे, तब ये ग्राहक को लौटा रहे हैं ये कहकर कि जिलाधिकारी का निर्देश है ये अब मॉल बन चुका है। तो ये तस्वीरें नजर आ रही है आरा के विशाल मेगा मार्ट की और इस तस्वीर को आप ढेर सारा शेयर कीजिए ताकि कोरोना वायरस से जो भी उल्लंघन कर रहे हैं, कोरोना वायरस के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार का और हमारे देश के हित में जो कदम उठा रही है जिला प्रशासन, उसका हम सभी को साथ देना है, जिला अधिकारी का हम सभी को साथ देना है। और जो मानक तय किए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर, जिस तरीके से सैनिटाइजर, साबुन और डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसको हम लोगों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। आपको दिखाऊंगा, अभी मैं भी मार्ट के पास आया हुआ हूँ। भी मार्ट मॉल है आरा का, काफ़ी चर्चित मॉल है और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश जारी किया गया था, डीएम साहब के द्वारा निर्देश जारी किया गया था, रोशन कुशवाहा के द्वारा निर्देश जारी किया गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि कल से ही सारे मॉल बंद रहेंगे।
और कोरोना वायरस को लेके जो कि अभी सेकेंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज कभी भी आ सकता है भारत में, उसके पहले सतर्कता बरत रही है और उसके उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सी अनंत सिंह नाम है। आप क्या हैं यहाँ के? हम यहाँ के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। और आज कब से बंद किया आपने मॉल? हम लोग तो कल शाम से ही बंद किए हैं। कल आप लोगों को लेट खबर मिली? हाँ, लेट खबर मिला। हम लोग चिट्ठी के इंतजार करते थे, हम लोग चिट्ठी मिल जाता तो हम लोग कल से ही बंद कर देते, मगर हमारे पास चिट्ठी नहीं आया था। अच्छा, हम लोग चिट्ठी के पालन करते हैं। बिल्कुल। तो क्या कब तक बंद रहेगा? अभी तो फिर डीएम साहब के जब आदेश अनुसार हम लोग काम करेंगे, जब आदेश आएगा तो खोलेंगे। कोरोना को लेकर कितना सतर्क हैं आप लोग? कोरोना को लेकर हम लोग बहुत सतर्क हैं। सब पब्लिक को जब खोले थे तो सैनिटाइजर दे रहे हैं, तौलिया दे रहे हैं हाथ पोछने के लिए, अंदर तब क्रॉस करने दे रहे हैं कस्टमर को। अभी तो बंद ही हो गया? अभी तो बंद है सर। हम लोग देश के पालन करेंगे। हम लोग भारत, सब भारतवासी एक हैं, हम लोग देश के साथ रहेंगे। सब एकजुटता बनाए हैं। कोरोना को हराना है? कोरोना को हराना है, सब मिल के भारत माता की जय करना है। क्या नाम है आपका? राजा राम गुप्ता। आप भी यहीं पे हैं? जी जी। क्या कहिएगा बंद? कहेंगे यही, नुकसान तो बहुत हो रहा होगा। नुकसान तो बहुत है हमारा, तो ऐसे में डीएम साहब का आदेश हुआ तो हम लोग बंद करा दिए। लेकिन जागरूकता के पूर्वक आप लोग बंद कर रहे हैं? जी, जागरूकता के हम यहाँ पर हैं। का मिसाल दे रहे हैं, कंपनी द्वारा अलर्ट किया गया है कि सभी स्टाफ को छुट्टी कर दीजिए, मगर आप लोग जो हम लोग एडमिन स्टाफ हैं, हम लोग यहाँ अपना देखभाल के लिए हम लोग बाहर में खड़े हैं। हमारा स्टोर पूरी तरह क्लोज है, पूरी तरह क्लोज। जी जी, यस। तो देखिए, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि आरा में जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे थे, सारे मॉल का मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सारे मॉल बंद हैं, और एक मॉल खुला हुआ था जो कि विशाल मेगा मार्ट, उसको सीओ साहब बंद कराने के लिए गए हुए थे, प्रशासनिक लोग गई बंद कराने के लिए गए हुए थे, पुलिस के अधिकारी लोग बंद कराने के लिए गए हुए थे, लेकिन वो धड़ल्ले से वहाँ पे शॉपिंग हो रही थी, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाए कि अभी भी मॉल, एक मॉल जो कि विशाल मेगा मार्ट है वो खुला हुआ था, और विशाल मेगा मार्ट से हमने आपको तस्वीर दिखाई। और एनएस मॉल बंद है, बीएस मॉल में जो दुकानें खुली हुई है उनका कहना है कि ये दुकान है, ये मॉल नहीं है, ये तय आपको करना है कि आखिर ये मॉल के अंदर, मॉल बाहर लिखा हुआ है बीएस मॉल, और उसके अंदर अगर शॉप होती है तो वो दुकान होती है या फिर वो मॉल के अंदर गिना जाएगा, ये प्रशासनिक लोग तय करेंगे। हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया, सच्चाई आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। आशा एक भारत की ये खबर, ये एपिसोड, स्पेशल एपिसोड जो कि कोरोना वायरस सेकेंड स्टेज में है, तीसरा स्टेज अगर आएगा तो महामारी फैल जाएगा। पांच स्टेज होता है, पांचवा स्टेज रिकवरी का होता है, अगर पांचवा स्टेज रिकवरी जल्द से जल्द भारत करना चाह रहा है और कम से कम लोगों को संक्रमित होने की हिदायत दी जा रही है, लोगों को बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी जा रही है। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, सहयोगी टूना कुमार के साथ स्पेशल एपिसोड दिखा रहा था आरा के विभिन्न विभिन्न मॉल से। ये खबर, ये एपिसोड पसंद आए, इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और यूट्यूब जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पेज को, फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। असहाबाद का नंबर वन चैनल बन चुका है आशा एक भारत, यूं ही प्यार और समर्थन बनाए रखिए। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।